भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की सोशल मीडिया और यूट्यूब की कुछ अपडेट्स। तो गाइस सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा बीएसपी ने एक व्हिप जारी करा था जिसमें कहा गया था कि जो 6 विधायक बीएसपी के कांग्रेस में चले गए थे, अगर विधानसभा में कोई वोटिंग होती है तो वो सब 6 विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, ये मायावती जी की पार्टी ने बोला था। अब इसको लेकर गहलोत सरकार का कहना है कि मायावती जी की पार्टी और मायावती जी ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर बोल रही है और काम कर रही है क्योंकि उनको डर है सीबीआई और ईडी का, ऐसा उन्होंने ट्वीट करा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। तो ये वीडियो देखिए। तो मायावती जी की जो शिकायत है वो भी वाजिब नहीं है क्योंकि मायावती जी के 2 विधायक अगर अलग होते हैं तो शिकायत हो सकती थी उनको, क्योंकि 6 विधायकों ने खुद ने अपने विवेक से मर्डर किया वाली पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद कोई शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है सबको। तो गाइज ये पूरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। अशोक गहलोत जी का साफ साफ कहना है कि मायावती जी बीजेपी से डर रही है क्योंकि बीजेपी मायावती जी को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है, इसलिए मायावती जी की पार्टी इस टाइप के बयान दे रही है और व्हिप जारी कर रही है। मायावती जी कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है राजस्थान में। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मायावती जी गलत क्या कर रही है अगर वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाह रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मायावती जी कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है तो वो बीजेपी के साथ है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है भाई, आप क्या बोलना चाहते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली स्टोरी भी मायावती जी को लेकर ही है। जैसा कि आपको पता होगा राम मंदिर बनने वाला है, 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाने वाले हैं भूमि पूजन करने के लिए। तो गाइज वहां पर 200 साधु संतों को बुलाया गया है लेकिन दलित महामंडलेश्वर जिनका नाम है कन्हैया प्रभु नंदन जी उनको नहीं बुलाया गया है। इसको लेकर मायावती जी ने एक ट्वीट करा है कि कन्हैया प्रभु नंदन जी को वहां पर बुलाना चाहिए था जिससे संविधान के हिसाब से जातिविहीन समाज जो हम लोग बनाना चाहते हैं उस पर कुछ असर पड़ता और अच्छी बात होती। इस बारे में आपका क्या कहना है इसको भी लेकर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु नंदन जी को वहां पे बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, कमेंट करो। तो गाइज अगली स्टोरी निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा कि कल ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था NEP इज ब्राह्मणिज्म, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्राह्मणिज्म है, ये ट्रेंड कल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में 30-35 साल बाद कुछ, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि ये पूरी पॉलिसी मनुवाद के हिसाब से है, इसमें पूरा ब्राह्मणिज्म भरा हुआ है। सूरज एंगड़े जो कि भोजन समाज से आते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान के छात्र है, वो लिखते हैं कि ये नई पॉलिसी जो आई है इसमें पूरा ब्राह्मणिज्म भरा हुआ है, इससे दलित छात्रों को, भोजन छात्रों को और जो पिछड़े वर्ग के छात्र है उनको कई सारी परेशानियां आएगी, उनका रिजर्वेशन सिस्टम भी खत्म करने की तैयारी कर रही है ये मनुवादी सरकार, ऐसा लिखते हैं सूरज एंगड़े। और इसको लेकर जो एक भोजन एक्टिविस्ट है वो क्या बोलते हैं, जिनका नाम है योगेंद्र यादव जी, ये देख लीजिए। तीसरा, शिक्षा में जो असमानताएं हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिनके घर में कभी शिक्षा नहीं है, जिनको साधन की जरूरत है, उन बच्चों के लिए व्यवस्था के बारे में 2-4 पैराग्राफ तो लिख दिए गए हैं लेकिन उसमें है कुछ नहीं। तो जो गरीब मार्जिनल सेक्शंस के दलित आदिवासी महिलाएं सब पिछड़े समाज के जो लोग हैं उसके लिए इस डॉक्यूमेंट में बहुत कोई चिंता और दर्द दिखाई नहीं दिया मुझे। और गाइस पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। योगेंद्र यादव जी ने जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की उसमें क्या अच्छा है वो भी बताया है, क्या बुरा है वो भी बताया है, लेकिन साथ में ये भी बताया है कि जो दलित छात्र है, पिछड़े छात्र है, आदिवासी छात्र है और जो गरीब छात्र है उनके लिए इस पॉलिसी में घंटा कुछ नहीं है ऐसा। और कई सारे भोजन एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी का ब्राह्मणों के हिसाब से बनाया गया है, मनुस्मृति के हिसाब से बनाया गया है, पूरा ब्राह्मणिज्म इसमें घुसेड़ दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करिए। ये ब्राह्मणों की पॉलिसी क्या इस देश में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, कमेंट करो। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही है अरुण गौतम जी को लेकर। अरुण गौतम जी अपना चैनल धाकड़ टीवी बंद कर सकते हैं,
और बहुत बड़ा चैनल है भाई भोजन समाज का, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। इसका 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है और उनका कहना है कि उनको कई सारी आर्थिक परेशानी आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, वो दिल्ली में रहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और गाइज उनका ये भी कहना है कि जो यूट्यूब में बैठे ब्राह्मण से, यानी कि जो दिल्ली का हेडक्वार्टर है यूट्यूब का, वहाँ पर बैठे ब्राह्मण त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग हैं, वो भोजन यूट्यूबर्स की वीडियो को वायरल नहीं कर रहे हैं, उनकी रीच नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। तो जाहिर सी बात है यार कि जब YouTube हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा तो हम निराश होकर यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, और वही वह हमारे साथ, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे न जाने बहुतों के साथ होने वाला है कि वो अपना YouTube चैनल बंद करके वो अपना कोई काम धाम देखेंगे, क्योंकि भूखा कोई नहीं मर सकता और मिशन चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। यही बात कांसीराम जी ने कहा था कि हमें सिर्फ आपसे कुछ पैसे चाहिए, और वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी मिशन को चलाने के लिए आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान पैदा होता है तब पैसा लगता है, जब इंसान मरता है तब पैसा लगता है। तो इतने बड़े बहुजन मिशन को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। और फुल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। अरुण भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है अपने यूट्यूब वीडियो में कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोग जो यूट्यूब के अंदर बैठे है दिल्ली के अंदर उसके हेडक्वार्टर में, वो हमारी वीडियोज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं बहुजन समाज के लोगों की वीडियो को। और गाइज उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग उनकी मदद करना चाहते हो तो उनके कम्युनिटी बॉक्स में पूरा उनका बैंक अकाउंट सब कुछ है, वहां से जाके आप उनकी आर्थिक मदद कर सकते हो। और गाइस एक बात और, आप लोग अपने भाई सुमित की ही मदद करना चाहते हो जिससे मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरे को ज्वाइन बटन मिल गया है, आपको नीले कलर का ज्वाइन लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहां पर जाकर क्लिक करो और केवल 29 रुपए, सिर्फ 29 रुपए महीना देकर आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। भाई 29 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 29 रुपए दे सकते हो जिससे मेरे को थोड़ी मदद मिल सकती है। तो क्या करोगे मेरे को सपोर्ट और अरुण भाई को, नीचे कमेंट करके बताओ। अब एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ भाई, भीम आर्मी के एक बड़े नेता है जिनका नाम है सिकंदर बौद्ध, उनका कहना है कि मायावती जी ने बहुजन समाज के साथ गद्दारी की है। हाँ भाई वो ऐसा बोले हैं, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। उनका कहना है कि जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, तथागत बुद्ध ने जो बात बोली थी, जो काशीराम साहब ने बोली थी, जो बाबा साहब ने बोली थी, जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने बोली थी, वो सारी बात हटाकर बहन जी अब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा लाई है, तो उन्होंने बहुजन समाज के साथ गद्दारी की है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कई सारी बातें और भी बताई है कि जहाँ भी दलित उत्पीड़न होता है, दलितों के साथ अत्याचार एट्रोसिटी होती है, तो सबसे पहले भीम आर्मी जाती है, ना कि BSP जाती है, और मायावती जी ब्राह्मणों को आप सपोर्ट कर रही है। तो ये वीडियो देखो। वो इसलिए खत्म हो चुका था कि चरित्र विक्कवे चरिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाय अनुकंपाय, तथागत सम्यक संबुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जब ये व्यवस्था दी उसको महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने उसको स्थापित किया और एक बहुजन समाज का निर्माण किया, लेकिन उसको बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया, जो हमारे बहुजन समाज के साथ में गद्दारी है। और उस गद्दारी से ये हुआ कि आज जितना भी उत्पीड़न अत्याचार होता है वहाँ पर जिसको हमारा समाज वोट देता है, वहाँ पर जहाँ भी हमारे समाज में उत्पीड़न होता है वहाँ पर कभी भी वो लोग नहीं पहुँचते हैं जो इस समाज से वोट लेते हैं। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। सिकंदर भाई ने जो बयान दिया है वो मैंने आपको साफ साफ और पूरा पूरा सुना दिया है, और आपने देखा होगा कि सिकंदर भाई बोल रहे थे कि बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ गद्दारी हुई है, बहुजन समाज के साथ गद्दारी हुई है जो मायावती जी ने करी है, अपनी पार्टी का नारा बदल के, या फिर पार्टी में ब्राह्मणों को भर के, या फिर पार्टी का ब्राह्मणीकरण करके, या फिर दलित समाज की बात ना उठाकर। तो गाइज इस बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या सिकंदर बौद्ध जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या सोचना है आपका, जो भी आप सोच रहे हो ना अभी इस समय नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाक से लाल कलर के बटन को दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दबाइए और मेरे भोजन आर्मी का आप मेंबर बन जाइए, तभी तो दोस्तों भोजन आर्मी मिलकर धमाल करेगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।